हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हैं छतरपुर जो कि दिल्ली में है, और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे और सुंदर सुंदर मंदिर है, और भारत के दूसरे सबसे बड़े मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को छतरपुर के सभी मंदिरों का दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। तो बहुत ही सुंदर सुंदर और बड़े बड़े मंदिर देख सकते हैं। वो बजरंगबली का एक मूर्ति है। इस मूर्ति की दोस्तों हाइट 101 फीट बताया जाता है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा मूर्ति है ये बजरंगबली का। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ से दोस्तों दिल्ली का रेलवे स्टेशन 22 किलोमीटर पड़ता है, और सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन छतरपुर मेट्रो स्टेशन ही है, जो कि यहाँ से 700 मीटर की दूरी में है। आप लोग पैदल भी आ सकते हैं, ऑटो वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो मेट्रो का भी सुविधा है यहाँ आने के लिए, और बहुत ही सुंदर मंदिर है देख सकते हैं यहाँ पर संत नागपाल सभा भवन। ये मंदिर दोस्तों बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। गेट नंबर 3 के पास ये मंदिर में है, और उधर भी है और भी सारे मंदिर, लेकिन उसके अभी गेट बंद है। तो दोस्तों शाम के टाइम आप लोग आ सकते हैं घूमने के लिए, और इसका टाइम टेबल तो दोस्तों ये 10 बजे से रात 10 बजे तक भी तो खुला रहता है। मंदिरों के दर्शन करने के लिए आप लोग आ सकते हैं, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये मंदिर खुले रहते हैं। कुछ मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जो मेन मंदिर है वो खुला रहता है रात 10 बजे तक। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर और बहुत ही बड़ा मंदिर है। ये भारत के दूसरा सबसे बड़ा मंदिर दोस्तों बताया जाता है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा है। तो चलिए देखते हैं इन मंदिरों के अंदर प्रवेश करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे अंदर कौन से देवी देवताओं का मूर्ति और क्या कुछ देखने को मिलता है। तो वीडियो पर दोस्तों बने रहिए, एक एक करके सभी मंदिरों का दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों इन मंदिरों का स्थापना और निर्माण कार्य में कर्नाटक के संत बाबा नागपाल जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, उन्हीं के द्वारा इन मंदिरों का स्थापना किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन सभी मंदिरों में देख सकते हैं कितने सारे लोग अभी अंदर में हैं, सीढ़ियों में बैठे हुए हैं बहुत सारे लोग। इधर पार्क भी है दोस्तों एक बहुत ही सुंदर, और पार्क के आगे और भी मंदिर है बहुत सारे, उधर भी आप लोगों को जाके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं शाम के टाइम सबसे बेस्ट है दोस्तों घूमने के लिए। देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है ये। तो चलिए हम लोग और नज़दीक चलते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना अच्छा से बनाया गया है इस मंदिर को। तो सबसे पहले ये भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति है यहाँ पे द्वार में, उसके आगे अंदर आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और बहुत ही बड़ा हॉल की तरह ये मंदिर बनाया गया है। द्वार में आपको दो शेर दिखाई देंगे, और ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे, और साइड में और भी देवी देवताओं का फोटो वगैरह है। तो दोस्तों ये मंदिर कैसा लगा आप लोगों को? अब चलिए नेक्स्ट मंदिर देखते हैं, उसके बाद फिर आगे का दिखाएंगे आपको, और भी मंदिरें हैं यहाँ पे, सारी मंदिरें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस रास्ते से, तो हर तरफ जाने का रास्ता आपको मिल जाएगा, एक एक करके आप लोग सारे मंदिर घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग को बताना चाहूँगा कि जल्दी आइएगा तो अच्छे से घूम पाइएगा, अंधेरा में आप लोगों को अच्छे से नज़र नहीं आएगा। वैसे तो रात 10 बजे तक खुला रहता है मंदिर का द्वार, तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग आ सकते हैं। आपका जब भी टाइम मिले आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इधर से मुड़ेंगे और आगे की ओर जाएंगे, और वहाँ पर आपको सबसे मेन मंदिर देख सकते हैं दोस्तों आगे में दिखाई दे रहा है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद आपको और भी सारे मंदिर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही सुंदर दोस्तों पार्क की तरह बनाया गया है, और बिल्कुल शांत का माहौल है, बहुत ही सुकून का माहौल है। तो इसी रास्ते से दोस्तों हम लोग जाएंगे मेन मंदिर की ओर, देख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों श्री आधा कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। ये मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। तो देख सकते हैं संस्थापक संत बाबा नागपाल है लिखा हुआ है, और उधर और भी सारे मंदिर रोड के उस पार जाएंगे वो उधर भी, लेकिन सबसे पहले इस मंदिर का भी दर्शन कर लेते हैं अच्छा से। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम टेबल, देख सकते हैं सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, मंदिर बिल्कुल खुला मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों हम लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं, देख सकते हैं। तो अभी दोस्तों शाम का टाइम हो चुका है, फिर भी मंदिर में देख सकते हैं कितने सारे भीड़ है लोगों का।
और लोग एक एक करके सभी मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। सभी मंदिरों में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति हैं और अभी आरती वगैरह हो रही है, तो भीड़ भी है बहुत अच्छा और माहौल भी बहुत अच्छा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे सभी देवी देवताओं के मूर्तियों को। तो दोस्तों यहाँ पे आरती हो रहा है दोस्तों, और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे फ़ोटो खींचना मना है और वीडियो बनाना मना है सभी मूर्तियों का, इसलिए वीडियो नहीं दिखा सकते हैं आपको मूर्तियों का, क्योंकि दोस्तों भगवान की मूर्तियों का फ़ोटो लेना और वीडियो बनाना यहाँ पे मना किया गया है, लिखा हुआ है साफ साफ, इसलिए भगवान की मूर्तियों का फ़ोटो और वीडियो नहीं बनाया है, नहीं तो आप लोगों को दिखाता ज़रूर। तो रोड के इस पार आ गए हैं हम लोग। दूसरा मंदिर शिव गौरी नागेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए हम लोग इस मंदिर का भी दर्शन कराते हैं आप लोगों को। यहाँ भी बहुत सारे मंदिर हैं अलग अलग। दोस्तों थोड़ा अंधेरा हो गया इसलिए आप लोगों को थोड़ा कम दिखाई देगा, फिर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लाइट लगा हुआ है इस मंदिर में। तो दोस्तों ये मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं लाइट्स लग चुकी हैं इनमें अंधेरा में। तो दोस्तों बगल में जो आप लोग बजरंगबली का एक मूर्ति देखे थे 101 फीट का, तो दोस्तों उधर जाने का परमिशन शाम के 7 बजे से पहले है, तो शाम के 7 बजे के बाद उधर का द्वार बंद कर दिया जाता है, तो उधर आप लोग जा नहीं पाएंगे, इसीलिए टाइम पर आइएगा। बाकी इधर के मंदिर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, तो आप लोग टाइम टेबल पर अच्छे से आ सकते हैं। तो चलिए थोड़ा अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को नज़ारा। तो ये रहा दोस्तों अंदर का दृश्य। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।